गुरु की जयंती से शुरू हुआ सेवा और समर्पण का अभियान, तीन संस्थाओं ने मिलकर दी 10 परिवारों को पेट भरने की गारंटी। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर विशाल भारत संस्थान द्वारा स्थापित लम्ही के सुभाष भवन में इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब एवं सर्वदैसिक आर्यवीर दल के संयुक्त तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। 90 वर्षीय बिटना दादी आज बहुत खुश थी। इस कड़ाके की ठंड में सम्मान के साथ कंबल मिल गया। अनाज बैंक के पासबुक के साथ बची हुई जिंदगी को पार लगाने के लिए पेट भरने की गारंटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा का आश्वासन भी मिल गया। ऐसे ही घर में उपेक्षित एक गरीब वृद्ध महिला को और क्या चाहिए। दुनिया के हर बड़े पुरस्कार से एक बड़ा पुरस्कार बिटुना के लिए पेट भरने की गारंटी थी। अब बिटुना किसी पर बोझ नहीं। 10 किलो दाल का सहयोग डॉक्टर किरण सिंह जी से मिला, डॉक्टर टी आर मनखर और सविता जी मौजूद हैं। आपसे 10 किलो चावल और 10 कंबल का सहयोग मिला। हमारे संभव हुआ है तीन संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से। तीनों संस्थाओं ने अनाज बैंक में खाता खुलवाकर गरीबी में जी रहे लम्ही के 10 परिवारों को पेट भरने की गारंटी दे दी। रोटरी क्लब वाराणसी साउथ, सार्वदेशिक आर्वेर दल एवं इनर व्हील क्लब नई दिल्ली ने एक संयुक्त प्रस्ताव के द्वारा यह तय किया कि युवाओं को सेवा और समर्पण के क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विशाल भारत संस्था द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की मदद, भूख से पीड़ित के लिए अन्न समर्पण और बच्चों का। अनाज बैंक से तो काफ़ी दिनों से ही जुड़े हुए हैं राजीव भैया के साथ, लेकिन आज हमारे क्लब ने ये संकल्प लिया है कि आज हम रोटरी क्लब वाराणसी साउथ के तहत एक खाता खोलेंगे, जिसमें हम लोग हमेशा अपने क्लब के सदस्यों के द्वारा हर महीने एक बार यहाँ पे अनाज उपलब्ध कराएंगे, जो यहाँ के लोगों के, जो राजीव सर ये इतना बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं, कुछ छोटा सा योगदान हम लोग उसको। व्यवहारिक रूप से सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब वाराणसी साउथ द्वारा अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए 2 बालक और 1 बालिका को साइकिल दिया गया। सार्वदेशिक आर्यवीर दल वाराणसी एवं इनर व्हील क्लब नई दिल्ली द्वारा अनाज बैंक में 2 कुंतल अनाज देकर खाता खुलवाया गया, ताकि भूख से पीड़ित को भूख से मुक्ति दिलाई जा सके। 100 गरीब परिवारों की महिलाओं को कंबल वितरित किया गया। वहीं रोटरी क्लब के विवेक शाह ने सभी वृद्ध महिलाओं को अपने हाथों से कंबल उड़ाकर सेवा और समर्पण अभियान का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर तिलक राज मनखंड एवं दीपक अस्थाना ने अनाज बैंक के नए निकासी खाता धारकों को अनाज वितरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने भारतीयों को करुणा, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाया। एक बिल्कुल बैंक में जिस तरह से खाता होता है, उस तरह से ही हर चीज़ें मेंटेन होती हैं, और जो लोग जमा करते हैं, जिनके पास अनाज थोड़ा कुछ ज़्यादा है, समर्थ हैं, वो जमा करते हैं, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसमें से हर सप्ताह करीब 5 किलो अनाज दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बैंक की पासबुक की तरह मेंटेन होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए हम विशाल भारत संस्थान और उसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, उनको बधाई देना चाहेंगे। कोई भूखा न सोए के नारे को साकार करने वाले अनाज बैंक का पेट भरो आंदोलन सेवा का श्रेष्ठ मॉडल है। इनर व्हील क्लब की वीना अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि सेवा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यदि लोग भारतीय संस्कृति की सेवा और मदद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो कोई भी निराश्रित नहीं रहेगा। सनातन धर्म के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम पर
बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के, खासकर तीन संस्थाएं, सार्वदेशिक आर्यवीर दल, रोटरी क्लब साउथ, इनर व्हील क्लब नई दिल्ली, विशाल भारत संस्थान, इन सब संस्थाओं ने मिलकर के आज ये संकल्प लिया कि सेवा और समर्पण का अभियान चलाएंगे। और इसके लिए व्यवहारिक तौर पर अनाज वितरण किया गया, जो वृद्ध और गरीब महिलाएं थीं, भूख से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए उनको कंबल वितरण किया गया, और कुछ बच्चों को जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे थे, बावजूद इसके अभाव में रहते हुए भी उन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनको 3 साइकिल का वितरण दिया गया। वह विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तिलक राज मनखंड ने कहा कि दयालु और परोपकारी होने की डिग्री कोई भी विश्वविद्यालय नहीं देता। हमारे बुद्धिजीवी होने का मतलब तभी है जब हम गरीबों की सेवा कर उन्हें सामर्थ्यशाली बना सकें। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।